मध्य प्रदेश के उज्जैन के कुख्यात गैंगस्टर दुर्लभ कश्यप गैंग की एक बार फिर से हो रही है चर्चा। दुर्लभ कश्यप गैंग का वो गैंगस्टर जिसने उज्जैन के संदीपानी आश्रम के बाहर केकेसी गैंग के सरफराज को मारा था 32 चाकू मारने के बाद सोशल मीडिया पर लाइव आकर कर रहा था दुर्लभ कश्यप के बदले का ऐलान, जिसे उज्जैन पुलिस ने काली अंधेरी रात में तोड़ाकर पैरों में गोली मारकर जंगलों से किया था गिरफ्तार। वो कम उम्र का कुख्यात गैंगस्टर कुणाल डोरेमोन क्या आ रहा है जेल से बाहर? कौन है गैंगस्टर कुणाल डोरेमोन जिसके जेल से बाहर आने की हो रही है इतनी शिद्दत से चर्चा? नमस्कार, आप देख रहे हैं BTF न्यूज। दोस्तों, उज्जैन के कुख्यात गैंगस्टर दुर्लभ कश्यप की कहानी तो आपको याद होगी, जिसे बहुत कम उम्र में ही उज्जैन के हल्लावाड़ी इलाके में रात के अंधेरे में चाकू से गोद गोद कर शहनवाज गैंग ने मार डाला था। और उसे दुर्लभ कश्यप की हत्या का बदला लेने के लिए दुर्लभ कश्यप गैंग के बचे हुए बदमाश लगातार कोशिशें कर रहे थे। और आए दिन सोशल मीडिया पर इसको लेकर उज्जैन के दुर्लभ कश्यप गैंग और केकेसी गैंग में संग्राम देखने को मिलता था, जिसे लेकर उज्जैन की पुलिस भी काफी परेशान रहती थी। और उज्जैन पुलिस के लिए उन दिनों ये दोनों ही गैंग परेशानी की सबसे बड़ी वजह बने हुए थे, क्योंकि सोशल मीडिया से लेकर हर जगह दुर्लभ कश्यप के बदले की चर्चा होती थी। और इसी बदले की चर्चा के बीच दोनों गैंगों में गैंग वॉर की स्थिति आए दिन बनी रहती थी। और गैंग वॉर के इसी डर के बीच एक दिन वो हुआ जिसका डर पुलिस और जनता को था। दुर्लभ कश्यप गैंग का कुणाल डोरेमोन उज्जैन के संदीपानी आश्रम के बाहर दुर्लभ कश्यप की हत्या का बदला लेने के लिए निकल पड़ा। और उस दिन वो हुआ जिसकी काफी लंबे समय से दुर्लभ कश्यप गैंग के बदमाश तलाश कर रहे थे। आज हम आपको उसी कुख्यात गैंगस्टर कुणाल डोरेमोन के बारे में बताएंगे, साथ ही दुर्लभ कश्यप गैंग के और भी कई ऐसे बदमाशों के बारे में बताएंगे जो दुर्लभ कश्यप की हत्या का बदला लेने के लिए आए दिन सोशल मीडिया पर इस तरह की हरकतें करते थे। दूसरी तरफ उसका राइवल गैंग केकेसी आज कहां पर है? सबसे पहले तो आप इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। इस तस्वीर को शायद इससे पहले भी आपने कहीं ना कहीं किसी न किसी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर जरूर देखा होगा। इसी गैंगस्टर का नाम था दुर्लभ कश्यप, जो उज्जैन के अब्दालपुरा इलाके का रहने वाला था। कम उम्र में अपराध की दुनिया में रुखसत किया और कम उम्र में ही मारा गया। दुर्लभ कश्यप की मौत के बाद सोशल मीडिया पर एक तरह से दुर्लभ कश्यप को लेकर सेंसेशन बना हुआ था कि आखिर दुर्लभ कश्यप कौन था, किसने मारा, क्यों मारा, क्यों उसकी हत्या हुई और उसका अंतिम संस्कार कैसे हुआ, वगैरह वगैरह। जबकि ये जानते हुए कि वो एक कुख्यात गैंगस्टर था। जब दुर्लभ कश्यप की हत्या हो गई, सारे अपराधी पुलिस की गिरफ्त में आ गए। एक आरोपी चाय वाला, जिसने कहा था कि शादाब भाई उसे जिंदा मत छोड़ना, उसने जेल की दीवार से कूदकर जान दे दी। और फिर एक के बाद एक करके सभी आरोपी जेल से बाहर आ रहे थे। तो दुर्लभ कश्यप की गैंग के बदमाशों को ये बातें अच्छी नहीं लग रही थी और आए दिन दुर्लभ के बदले की खातिर प्लानिंग करने लगे। तभी एक दिन इस पूरे मामले का मुख्य आरोपी, जिसे दुर्लभ कश्यप ने सबसे पहले अपने कट्टे से गोली मारी थी, शहनवाज खान, उसकी जमानत जेल से हो गई और उसने कोर्ट में ये कहा कि दुर्लभ कश्यप ने जो गोली उसे मारी थी वो उसके गले में आज भी फंसी हुई है। वो बाहर आ गया तो दुर्लभ गैंग ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाया और फिर गैंग के मेंबर कुणाल विलोडिया और फिर डोरेमोन ने दुर्लभ कश्यप की हत्या का तथाकथित रूप से बदला लेने के लिए शहनवाज गैंग के सरफराज को मारने की प्लानिंग करने लगा। और एक दिन उसे मौका भी मिला। जगह थी उज्जैन के संदीपानी आश्रम के सड़क। सरफराज मोटरसाइकिल से अपनी गर्लफ्रेंड के साथ टशनबाजी कर रहा था और तभी पहले से घात लगाकर बैठे कुणाल डोरेमोन ने अचानक सरफराज पर चाकुओं से हमला कर दिया। यह हमला इतना घातक था कि डोरेमोन ने सरफराज को इसके बाद 22 बार चाकुओं से वॉर किया। उसने कसम खा रखी थी कि उसके गुरु दुर्लभ कश्यप को इस गैंग ने 36 बार मारा था तो वो भी 36 बार मारेगा। लेकिन 22 बार वॉर करने के बाद सरफराज की गैंग के बदमाश मौके पर आ गए तो कुणाल डोरेमोन वहां से भाग गया। लेकिन जैसे ही ये खबर निकल कर सामने आई कि कुणाल डोरेमोन ने दुर्लभ कश्यप की मौत का बदला ले लिया तो दुर्लभ कश्यप के समर्थक उसे चाहने लगे। और शाम होते होते कुणाल डोरेमोन इंस्टा पर लाइव आया और उसने लाइव आकर कहा कि सरफराज की हत्या करने के लिए उसने इस कांड को अंजाम दिया है। फिर क्या, उज्जैन पुलिस के हाथ पैर फूल गए और फिर शुरू हुआ कुणाल को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस का कॉम्बिंग। पुलिस कुणाल डोरेमोन को खोज रही थी लेकिन वो पुलिस को चकमा दे रहा था। तभी पुलिस को कुणाल डोरेमोन का एक वीडियो फिर से मिला, जिसमें वो ये कह रहा था कि वो 26 तारीख को उज्जैन आ रहा है और शहनवाज गैंग को धमकी दे रहा था। और जैसे ही उसने उज्जैन की धरती पर कदम रखा, पुलिस ने उसे चारों खाने चित कर दिया, उसके पैरों में गोली मारकर उसे गिरफ्तार कर लिया और मौजूदा वक्त में वो उज्जैन के भैरोगढ़ जेल में सजा काट रहा है। लेकिन अब खबर सामने आ रही है कि कुणाल डोरेमोन जेल से बाहर आ रहा है और उसका जेल से एक बातचीत का वीडियो क्लिप भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो गैंग के एक बदमाश पीयूष बॉक्सर से बात कर रहा है।
ध्यान देने वाली बात तो ये है कि दुर्लभ कश्यप गैंग के ऐसे कई बदमाश हैं जिनकी उम्र तो बहुत कम है, लेकिन उनके वारदात करने के तौर तरीके दिल्ली के नीरज भवाना और लॉरेंस बिश्नोई से भी ज़्यादा खतरनाक है। इसी गैंग का एक और बदमाश जिसका नाम चैन सी के, जिसने अब से करीब एक साल पहले इंदौर में एक गैंगस्टर की हत्या करके सनसनी फैला दी थी, जिसे बाद में पुलिस ने गिरफ्तार करके नंगा घुमाया था और वो भी जेल में सजा काट रहा है। लेकिन अगर कुणाल डोरेमोन जेल से जमानत पर बाहर आता है तो एक बार फिर से इन दोनों गैंगों में गैंग वॉर की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि जब से दुर्लभ कश्यप की गैंग जेल में गई है तब से उज्जैन की गलियां शांत हैं, अपराध नहीं हो रहे हैं, शहनवाज गैंग भी ठंडी पड़ चुकी है, और अगर दुर्लभ कश्यप की गैंग बाहर आती है तो एक बार फिर से बदले का गंदा खेल हो सकता है, इसकी आशंका जताई जा रही है। टीम बीटीएफ न्यूज़।